हेलो स्टूडेंट, हैशटैग कीवर्ड फिजिक्स में हमारा आज का टॉपिक है टू स्पेशल यूनिट्स अबाउट द एनर्जी। तो देखिए, एनर्जी की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। इन जनरल जो हम मैकेनिकल एनर्जी के लिए यूनिट यूज़ करते हैं वो तो होती है जूल। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं किलोवाट आवर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। और दूसरी पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एटॉमिक पार्टिकल की एनर्जी को डिफाइन करने की यूनिट है। तो देखिए, सबसे पहले आती है किलोवाट आवर। देखिए, जो पावर का फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, जरा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बनेगा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब पावर की जगह हमने ले लिया 1000 वॉट, यानी कि 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो 1 आवर की जगह लिख देंगे 3600 सेकेंड्स। तो हमारा जो रिलेशन आएगा वो आएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड। अब इन नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे आपके सामने क्या आ जाएगा, 36 × 10⁵ वॉट इंटू सेकेंड, और वॉट इंटू सेकेंड मीन्स पावर इंटू टाइम, यानी कि जूल। तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर दें तो आ जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल्स। तो 1 kWh में होते हैं 3.6 × 10⁶ जूल, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, इसको याद रखेंगे। आइए अब दूसरी यूनिट को देखें। तो देखिए, जब किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें तो एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं या वो उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम मेंटेन करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसके लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्मॉल ई कैपिटल वी। E फॉर इलेक्ट्रॉन है सिंबलाइजेशन, और V फॉर वोल्टेज है पोटेंशियल है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन द गैसलेस स्टेट टू लीव इट्स ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए है, या उसको ऑर्बिट में घूमने के लिए जो एनर्जी चाहिए है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स। ये एनर्जी होती है, कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 eV इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। तो आज आपने ये दोनों यूनिट सीख लिए हैं, इसको ध्यान रखिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।